एसटीएफ की टीम यहां से काम को अंजाम देने के बाद निकलती हुई, और यहां पर आप देख रहे हैं वो दुर्दांत नाम जो कई दिनों से पुलिस के लिए और तमाम लोगों के लिए पहली बने हुए थे, चका रहे थे, 15 दिन दिल्ली में रह कर गया था असद, और कहा जा रहा है कि गुलाम मोहम्मद जिसके साथ लगातार बना हुआ था उसके साथ उसकी रो रहा है, खामोश है। वहीं दूसरी तरफ अगर उमेश पाल की बात करें तो उमेश पाल का जो परिवार है वो आज उसके चेहरे पे मुस्कान देखने को मिली है। 48 दिन हो चुके थे, 48 दिनों से इस परिवार को न्याय की उम्मीद थी, और आज वो दिन आया है जब अतीक अहमद के बेटे असद के साथ साथ जो गुलाम था उसको पुलिस ने मार गिराया, और इसके बाद जो परिवार के जो परिजन से भागने की कोशिश करते हैं तब पुलिस को इनको रोकने के लिए इन पर फायर करना पड़ता है, और इसी दौरान इन दोनों को गोली लगी और दोनों का एनकाउंटर हुआ है। असद गुलाम मोहम्मद दोनों का एनकाउंटर हो गया है झांसी के बरीकचा इलाके में। अतीक अहमद के बेटे असद, जिसका वीडियो भी सामने आया था, पास में लगे सीसीटीवी में साफ तौर पर उसे पहचान लिया गया था, असद को, जिसने एक नहीं बल्कि कई राउंड फायरिंग उमेश पाल पर की थी, और उसके बाद उसके साथ मौजूद दूसरे शूटर्स ने गोलियों के साथ साथ बम का भी इस्तेमाल किया था। वो सीसीटीवी भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, और अब प्रदेश पुलिस ने नहीं चलाई थी और हमारे साथ और वो देर में ही चाहिए लेकिन देंगे ना, प्रशासन ही हमको न्याय दिला रहा है। अच्छा अतीक बच्चों के उन्होंने न्याय अच्छी तरह से दिया, मैं धन्यवाद ही कह सकती हूँ। माता जी पहले क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो पहले से चिल्ला रहे थे, लेकिन हमारा चिल्लाना हमारे हाथ में नहीं था, मतलब जो हम चिल्ला रहे थे कि एनकाउंटर किया जाए तो मेरे हाथ में नहीं था, मेरा कहना था। लेकिन मैं इस समय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर, जो कि उन लोगों ने मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, जो उनको करना चाहिए उन्होंने अच्छा न्याय किया। इसके आगे अब जो भी हुआ है वो कानूनी तौर से फैसला हुआ है, आगे जो हैं उनके लिए भी जो प्रशासन सोच रही है या इतनी दिन से भाग दौड़ मचा रही है, पुलिस विभाग छटपटा रही है, तो उनको जो करना है वो अपने लाइन से अपने हाथों द्वारा करेंगे। हमें मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा था और आज भी भरोसा है कि वो हमको अच्छा फैसला देंगे, और फैसला के बाद हमारे आत्माओं को संतुष्टि। ठीक है, आपके घर के सामने असद और गुलाम जिस तरीके से गोली चला रहे थे, आज पुलिस के हत्या चले, इनकाउंटर हो गया, क्या लगता है इंसाफ की पहली सीढ़ी मिल गई है? देखिए वो तो हम कह रहे ना कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर और पुलिस विभाग के ऊपर हमको पहले से भरोसा था, अब वो भरोसा आज मुझको दिखाई दिया, मेरे बेटे के दो हत्यारे मारे गए। आगे आप क्या चाहते हैं, किसका एनकाउंटर देखना चाहते हैं? देखिए बेटा यही है कि जो भी आज पुलिस प्रशासन ने किया है, ऊपर मुख्यमंत्री जी का आदेश था, बस इसी तरह ये करते रहे, हमारे आत्मा को संतुष्टि। माता जी अतीक को लेकर क्या चाहती हैं? अतीक और जो असद है उसको लेकर क्या चाहती हैं? देखिए अभी हमने कोर्ट का सुना है, उसको जो है तो पुलिस रिमांड पे ली है, अब जब रिमांड पे ले चुकी है तो जितना होगा अपने कानूनी कार्रवाई से उनसे पूछताछ करेंगे, उसके बाद वो जो बयान देगा अगर कसूरमंद होंगे तो उनको अदालत सजा देगी, अगर कानूनमंद नहीं होगा तो बरी रहेंगे। तो माता जी आपको लगता है एनकाउंटर जो है वो उमेश जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी? देखिए बेटा जिसने मेरे बेटे को खरेआम गोली यहाँ से मारी है और हम लोग देख रहे हैं, जो पीछे गनर बैठा गाड़ी से उतर नहीं पाया उसको इसने राइफल से मारा था, तो कम से कम उन लोगों की श्रद्धांजलि आज कुछ मिली है, बस मेरा यही कहना है। देखिए बेटा अब मुख्यमंत्री जी के ऊपर है और जो चारों तरफ भागे हैं पुलिस प्रशासन तो उनके ऊपर है, कितना मेहनत करते हैं उनका मेहनत सफल होगा। क्या लगता है मिट्टी मिलाने काम शुरू हो गया? देखिए बेटा ये दो काउंटर हुए हैं तो ये तो पाप किए थे, पाप के भागी थे, उसका सजा इनको आज मिला है। देखिए बेटा जो है तो धीमे धीमे हमने यही कहा था ना कि देर है अंधेर नहीं है, जो मुख्यमंत्री जी या पुलिस विभाग कर रही है वो अपना काम करेंगी, हमको मात्र फैसले का। तो अतीक को भी सजा मिलेगी पूरी उम्मीद है आपको? अब देखिए बेटा अभी तो रिमांड पे है, आगे क्या होता है।